नमस्कार, मैं हूं किंजल और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। सरकारी नौकरियों में आरक्षण हटाने की मांग को लेकर भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुए प्रदर्शनों ने अब तक वहां पर सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। इन प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर चली गई, जिसके बाद वहां के हालत और ज्यादा खराब हो गए। वहीं हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले की भी कई खबरें सामने आई हैं। ऐसे में बांग्लादेश से जुड़े हुए कई गलत दावे भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने लगे। ऑल्ट न्यूज ने इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मैसेजिंग ऐप पर नजर बनाए रखी और इनमें से कई दावों की असलियत का पता लगाते हुए हमने फैक्ट चेक रिपोर्ट्स पब्लिश की। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ दावों की असलियत आपको बताएंगे। बांग्लादेश में तनाव की परिस्थिति के बीच 7 अगस्त को बंगाल की जलपाईगुड़ी बॉर्डर पर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिकों को बीएसएफ ने रोका था। इसी के फुटेज बताते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। इस वीडियो के बारे में छानबीन करते हुए हमें ये वीडियो YouTube पर साल 2018 में पोस्ट किया हुआ मिला। कैप्शन में इस वीडियो को भारत बांग्लादेश सीमा पर आयोजित होने वाले एक मेले का बताया गया है। यहाँ ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये वीडियो कम से कम 6 साल पुराना है और इसका हाल के बांग्लादेश की स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। 2019 की इस रिपोर्ट में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर आयोजित होने वाले मेले के बारे में बताया गया है। सामान्य वर्ग से आने वाले लोगों के लिए दोनों देशों की सेनाएं ये मिलन मेला आयोजित करते हैं। मिलन मेले में जिन लोगों के पास पासपोर्ट और वीजा के पैसे नहीं होते हैं, वो अपने रिश्तेदारों से 4 या 5 मीटर की दूरी पर खड़े होकर मिल सकते हैं और उन्हें मिठाई दे सकते हैं। वहीं ये वीडियो शेयर करते हुए कहा गया कि बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति पर इस तरीके से हमला किया गया। कई राइट विंग यूजर्स इसी क्लेम के साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। ऑल्ट न्यूज को एक बांग्लादेशी पत्रकार से मालूम हुआ कि वीडियो में दिखने वाला आदमी मुस्लिम है और उसका नाम शाहिदुल इस्लाम हिरोन है। शाहिदुल बांग्लादेश के जेनेदा से आवामी लीग के महासचिव थे। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शाहिदुल और उनके ड्राइवर अख्तर हुसैन की हत्या कर उन्हें जला दिया गया था। हमें इस घटना का ये वीडियो भी मिला जिसकी लोकेशन वायरल वीडियो से मेल खाती है। यानी वायरल वीडियो में दिखने वाला आदमी हिंदू नहीं बल्कि एक मुस्लिम आवामी लीग के नेता है जिन्हें भीड़ ने मार दिया था। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद मुस्लिम समुदाय द्वारा एक हिंदू मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया, ऐसे क्लेम के साथ ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया गया। न्यूज 24 और जी न्यूज के रीजनल एक्स अकाउंट ने भी ये वीडियो शेयर किया। जांच करते हुए हमें बांग्लादेश के फैक्ट चेकर सोहनूर रहमान का ये ट्वीट मिला। उन्होंने ट्वीट में ये बात साफ की थी कि वायरल वीडियो में दिख रही बिल्डिंग कोई हिंदू मंदिर नहीं बल्कि बांग्लादेश के सतखीरा में एक रेस्टोरेंट है। हमने ये भी पाया कि रेस्टोरेंट के मालिक का नाम अजदुस्वान शाहजादा है, जो शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग की युवा शाखा के नेता है। गूगल मैप पर इस रेस्टोरेंट की तस्वीर है जो कि वायरल वीडियो के फ्रेम से मेल खाती है। यूट्यूब पर इस रेस्टोरेंट के बारे में व्लॉग भी है। यानी वायरल वीडियो में कोई हिंदू मंदिर नहीं है बल्कि एक रेस्टोरेंट है। वहीं ये तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर ये क्लेम चलाया गया कि बांग्लादेश में दंगाइयों ने हिंदू क्रिकेटर लिटन दास के घर में आग लगा दी। कई राइट विंग अकाउंट्स ने इसी क्लेम के साथ ये तस्वीर आगे बढ़ाई है। ऑल्ट न्यूज को इस मामले में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स मिली जिसमें बताया गया है कि ये घर पूर्व क्रिकेटर मशरफ़ मुर्तज़ा का है। मशरफ़ मुर्तज़ा एक पूर्व क्रिकेटर है और वो 2018 में आवामी लीग में शामिल हुए थे और वो सांसद भी रह चुके हैं। आवामी लीग के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के बीच मशरफ़ के घर को आग लगाई गई थी। वहीं ये वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिसमें बताया गया हो कि क्रिकेटर लिटन दास के घर में आग लगाई गई है।
वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो शेयर करते हुए ये दावा किया गया कि बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति का स्टोर लूटा गया। ऑल्ट न्यूज़ ने वीडियो को गौर से देखा तो हमें येलो ब्रांड के बैग्स दिखे, साथ ही हमें वीडियो में एक फ्रेम में ऑन फायर नामक ये दुकान भी दिखी। इसी आधार पर हमने इस स्टोर को जियो लोकेट किया। ये स्टोर ढाका के मोहम्मदपुर में है। येलो एक लग्जरी बांग्लादेशी ब्रांड है जिसके बांग्लादेश समेत कैनेडा में भी कई स्टोर है। येलो का असली ब्रांड बैगजिम को है जिसकी स्थापना 1970 के दशक में अहमद सोहेल फसीहुर रहमान और सलमान फजहुर रहमान ने की थी। वहीं सलमान फजहुर रहमान बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सलाहकार और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। बांग्लादेश में तनाव और प्रदर्शनों के बाद वो देश छोड़कर चले गए थे। वहीं उनकी इस ब्रांड के स्टोर्स भी लूट के शिकार बने थे। यानी जिस वीडियो के साथ ये दावा सोशल मीडिया पर चलाया गया कि एक हिंदू शख्स की दुकान को लूटा गया गलत है, क्योंकि ये एक मुस्लिम व्यक्ति और पूर्व राजनेता की ब्रांड का स्टोर है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले वाले कैप्शन के साथ सुदर्शन न्यूज ने ये वीडियो एक्स पर पोस्ट किया। ऑल्ट न्यूज ने इस मामले की तह तक जाने के लिए कीवर्ड सर्च किया। हमें जुलाई 2024 की कुछ रिपोर्ट्स मिली जिसमें बताया गया है कि बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर में 15 दुकानें आग के कारण जलकर खाक हो गई थी। घटना की रिपोर्टिंग का फुटेज वायरल वीडियो से मेल खाता है। यानी हाल में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर हमले का बताकर शेयर किया गया वीडियो असल में पुराना है। लोकल न्यूज रिपोर्ट में बताया गया है कि आग का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट था और इलाके में कपड़े की कई दुकानें होने के कारण आग तेजी से फैल गई। राजन चंद्र नामक किसी व्यक्ति की दुकान में आग लगने की घटना के बारे में सर्च करते हुए हमें कोई जानकारी नहीं मिली। कुल मिलाकर ये वीडियो हाल में बांग्लादेश की तनावपूर्ण स्थिति से जुड़ा हुआ नहीं है। देखने वाली बात यह है कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों के बीच जो भी देश के राजनीतिक हालात बने, इसका असर भारतीय सोशल मीडिया पर भी तेजी से हुआ। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर हुए हमलों की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर तेजी से कई गलत और भ्रामक दावे वायरल होने लगे। ऐसे में ऑल्ट न्यूज़ अपने व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसे तनावपूर्ण स्थिति में सरकार द्वारा मिलने वाली जानकारी का इंतज़ार करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलाए जाने वाले असत्यापित दावों पर आँख मूंदकर भरोसा ना करें।